अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं जीरा बिस्किट बेकरी की तरह के। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी पहले हम आपको वो बता देते हैं। ये हमारे पास है मैदा 1 कप जो मैंने छान के रखा हुआ है। ये हमारे पास आइसिंग शुगर पाउडर, ये हमें चाहिए 1/4 कप। ये दूध है, ये हमें उस वक्त चाहिए होगा जब हम इसको गूंद रहे होंगे, जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम इसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज ये वैसे ही होगा। ये भी 1/4 कप है। ऑयल, इसको आप पहले मेल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको मेल्ट के बगैर डालेंगे तो फिर आपकी क्वांटिटी में जो है ना ज़रा सा मसला हो जाएगा। ये है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून जो है ज़ीरा है, और 1 अंडा हमें जो इसमें शामिल करना पड़ेगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसको किस तरीके से हम रेडी करेंगे। ये देखिए, हमने इसके लिए एक बाउल ले लिया है। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे ऑयल जो हमने 1/4 लिया था। अब हम उसमें डालेंगे आइसिंग शुगर जो कि हमने उसी क्वांटिटी में लिया है 1/4। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये लस्सी सा हो जाए। बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ये चीज़ें डालेंगे जो मैंने आपको पहले बताया था। ये है 1 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर है, ये 1/2 टीस्पून नमक है और ये है ज़ीरा। ये हम सब इसमें डाल देंगे। और ये 1 अंडा है जो हमने इसमें डालना है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है, क्योंकि ये ज़ीरा बिस्किट है तो जो इसमें ज़ीरा है वो मेन इंग्रेडिएंट्स के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। देखें, ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, आप देखें। अब हम इसमें डालेंगे मैदा जो कि 1 कप है, और हमने अच्छे से इसको छान के रखा हुआ है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा सा करके डालेंगे, और इसको हमने ऐसे फोल्ड करने के अंदाज में जो है ना हमने इसको मिक्स करना है। देखें, ऐसे अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। जो इसमें बचा हुआ है वो भी हम सारा डाल रहे हैं। इसी तरीके से इसको फोल्ड करते करते हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है। असल में ये हमारा बन जाएगा डो की तरह का। ये से हमने केक की तरह जो है ना इतना पतला सा इस तरह नहीं रखना कि केक फॉर्म में बने हमारे पास। ये देखें, इसी तरीके से हमारे पास बन रहा है। मैंने जो इसमें दूध रखा हुआ है ये आपने उस टाइम यूज़ करना है जब आप ये देखें कि ये आपका इस तरीके से नहीं आ रहा। अब देखें, हमारा बहुत अच्छे तरीके से आ गया है, इसलिए हमें दूध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये देखें, अच्छे से कर दिए। अब आप इसको हाथों की मदद से गूंद लें। मैंने आपको बताया ना, मुझे यहाँ पे दूध की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए मैंने इसमें दूध ऐड ही नहीं किया। आप जब देखें कि आपका इस तरीके से डो ना बन रही हो तो फिर आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा डालिएगा, ऐसे नहीं कि आप सारा डाल दें, थोड़ा थोड़ा सा डालिएगा जिसमें ये अच्छे से गूंदा जा सके। ये देखें, बहुत अच्छे तरीके से ये हमारा डो तैयार हो गया है। अच्छे से आप इसको गूंद लें। देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और उसके बाद चलते हैं हम दूसरे स्टेप की तरफ। अच्छा, तो दूसरा स्टेप हमारा ये है
ये हमने ली है एक स्टील की प्लेट। आप जो है इसके जगह पे आप जो चीज़ भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। आप इसमें केक टिन भी ले सकते हैं, स्टील की को प्लेट भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ये स्टील का एक ढक्कन सा ले रही हूँ। इसको हम पहले करेंगे ग्रीस, आप ब्रश के साथ भी कर सकते हैं। मैं आपको उन चीज़ों के साथ करने का तरीका बता रही हूँ जो घर में बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। बाज़ दफ़ा चीज़ें नहीं भी मिलती और उस कम चीज़ों में भी हम अपनी पसंद की चीज़ बना सकते हैं। आप थोड़ा सा ऑयल लें, ये देखें ऑयल लिया, टिश्यू से लगाया और इससे सारे प्लेट में अच्छे से ऑयल लगा दिया, ग्रीस कर लिया सारा। ये देखें बहुत अच्छे से इसको हमने ग्रीस कर लिया है। ये आपको अच्छे से नजर भी आ रहा है। ये हो गया हमारा ग्रीस। अब मैं चलती हूँ, आपको दूसरा स्टेप दिखाती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आप बटर पेपर भी ले सकते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमें बटर पेपर नहीं मिलता, तो मैं आपको ये शॉपर से बनाने का तरीका बता रही हूँ। आप इस तरीके से एक शॉपर लें जो बिल्कुल साफ हो, उसकी आपने साइडों से कटिंग करनी है। देखें इसको यहाँ से काट लें। वैसे भी ये देखें कटने के बाद ये ऐसे ओपन होता है। अब आप इसको एक साइड से काट लें। जितने देर तक हमारे ये स्टेप्स रेडी होते हैं तब तक हमारी डो भी जो है वो फ्रिज में है जो ठंडी हो रही है। अब हम ये देखें ऐसे आपका ये सेट हो गया है, रेडी हो गया है। आप इसकी जगह मैं आपको फिर से कह रही हूँ बटर पेपर भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इजी करके बता रही हूँ, इसलिए मैंने ये शॉपर लिया है जिसको मैंने कटिंग कर ली है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमारी डो जो है वो ठंडी हो चुकी है। अब चलते हैं हम इसको बेलते हैं। देखें ऐसे हम इसको बेल लेंगे। इसको हमने इतना बारीक नहीं कर देना, बल्कि इतना ही रखना है जितने मार्केट में हमें बिस्किट्स मिलते हैं। ये देखें देखें, अब मैं इस पर थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, या आप चाहें तो डाल सकते हैं वरना आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी ज़ीरा मौजूद है। और फिर से इसको ज़रा बेल लेते हैं। ताकि ये ज़ीरा अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए। ये देखें बिल्कुल ऐसे ही आपने भी करना है हल्के हाथों से। ये हमारा ये हमने बेल लिया है, ये आप देख सकते हैं। देखें आप इसकी तह भी देख सकते हैं, ज़्यादा पतली नहीं है। अब आप कुछ भी ले सकते हैं, गोल सर्कल में कुछ भी लेके आप इसको इस तरह कटिंग करेंगे। मैंने यहाँ पे एक फीडर का ढक्कन ले लिया है। आप इस तरीके से इसके सर्कल्स बना लें। ये देखें देखें हमने कर लिए हैं। अब हम इसमें से इस बिस्किट्स को निकाल के ग्रीस किए हुए है प्लेट में रख देंगे, जिसको हमने पहले से ग्रीस किया हुआ था, और रखना हमने फासले फासले पे हैं। ये देखें मैंने इसमें रख लिया है, और ये जो बाकी रह गए हैं इसमें से ये दो बिस्किट हैं, इसको हम एक साइड पे कर लेते हैं।
और ये जो बाकी है आप इसका फिर से पेड़ा बनाएं और उसी तरह से दोबारा से आप इसको बेल लें और इसमें से और बिस्किट्स निकाल लें। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको बेक कैसे करना है। अब हमने इसको बेक करना है, आप उसके लिए कुकर भी ले सकते हैं, कोई कढ़ाई ले सकते हैं, कोई पतीला ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एक कढ़ाई ले रही हूँ और उसके अंदर आप एक और छोटा सा बाउल रख लें, जो वो भी स्टील का होना चाहिए। इस तरह आप इसको रख के और इसको पहले प्री हीट कर लीजिएगा 30 मिनट के लिए। जब हल्की आंच पे इसको आपने प्री हीट किया है, प्री हीट होने के बाद अब आप इसमें अपना बिस्किट्स कुकीज़ जो हैं ये आप इसमें रख दें। इस तरीके से इनको फासले फासले पे इसलिए रखा है क्योंकि इन्होंने जब पकना है उसके बाद इन्हें फूल जाना है और फूल के बड़े हो जाएंगे। अगर आप इसको साथ मिला के रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे। इस तरीके से रखने के बाद आप इसको ऊपर से ढक दीजिएगा, अच्छे से इसको ढक दें। देखिए मैंने इसको ढक दिया है। अब हम इसको जो है ना 20 से 25 मिनट के लिए बेक करेंगे, लेकिन दरमियान में हम इसको बार बार देखेंगे, ऐसे ना हो कि ये जल जाएं। इसलिए आप इसको बिल्कुल हल्की आंच पे इसको करेंगे। जब इसके एजेस गोल्डन होने लग जाएंगे तो हम इसको हटा रहे हैं। अब इसके बाद जब ये तैयार हो जाएंगे मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कैसी शेप आई। वक्फे वक्फे इसको देखते रहे हैं। अब हम आपको ये देखें गर्म है, ध्यान से ये देखें, पीछे से ही इसको ठंडा होने देना है, चूल्हा बंद कर दें। वैसे क्रिस्पी नहीं रहेंगे जैसे हम लोग चाहते हैं ये, जैसे। और बताइएगा कि कैसी लगी आपको रेसिपी, ज़रूर ट्राई।